हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। और इन लोगों ने मेन किंगपिन तो केजरीवाल ही है, इन्होंने केजरीवाल के साथ साथ अपने परिवारों की कई पुश्तों के लिए ये पैसा कमा के जोड़ के रखा। देखिए किस स्तर के लोग थे और ये कहाँ पे पहुंच गए, ये किसी से छिपा नहीं है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आने वाली पीढ़ियां तो जरूर ये क्वेश्चन करेंगी कि वो किस प्रकार एक जो मुख्यमंत्री राजा है जिसने अपने आप को तो बचा के रखा लेकिन अपने जो सलाहकार थे उन सबको आज जेल में डाला हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और आज एक खास रिपोर्ट में हमारे साथ बलबीर जी मौजूद है, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं और बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हुए आज एक खास मुद्दा शराब घोटाले को लेके जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह के ऊपर कार्रवाई और अरेस्ट के बाद अब वो जेल में हैं और रिमांड पर भी हैं। संजय सिंह की बात करूं तो इन दिनों संजय सिंह जी के अरेस्ट के बाद तमाम प्रकार की बातें निकल के आ रही है और संजय सिंह के साथ कौन कौन व्यक्तित्व थे, किस प्रकार से इस घोटाले को अंजाम दिया गया और सरकारी गवाह जो अरोड़ा जी बने हैं उनका क्या कुछ कहना है, तमाम सारी बातें हैं। आइए जानते हैं बल्ली जी के साथ इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। बल्ली जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करें। धन्यवाद। देखिए आप तो जानते हैं कि जब से दिल्ली में नई लिक्वर पॉलिसी लेके आई थी ये पार्टी, उसी दिन से उस पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे। इन्होंने जबरदस्ती पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बनाने की कोशिश की लेकिन दिल्ली के जनता के विरोध से और भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख रूप से इस पॉलिसी का विरोध किया, तभी से ये लोग बैकफुट पे आ गए थे। लेकिन इन्होंने इस पॉलिसी को कैसे बनाया, किस प्रकार से इन्होंने इस पॉलिसी से अपनी कमाई की, पार्टी ने उस पॉलिसी के बेस पे जो पैसा है उसके ऊपर जो उन्होंने चुनाव लड़ा, ये किसी से छिपी हुई बातें नहीं है। आज अगर संजय सिंह जी जेल में है तो वो भी इसके एक मुख्य साजिशकर्ता थे। देखिए जब से दिनेश अरोड़ा को पकड़ा गया है शराब घोटाले में और वो जब से सरकारी गवाह बने हैं, इनकी एक एक परतें खुलती जा रही हैं। आज संजय सिंह जेल में है तो दिनेश अरोड़ा जी ने बताया था कि कैसे उनके एक सहयोगी विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा जो उनका एक तरह से एम्प्लॉय था, उनको किस प्रकार से 2 करोड़ रुपए की राशि उनके घर पे पहुंचाई गई। आज नहीं तो कल एक एक परतें और खुलेगी और आप देखेंगे कि ये पूरी पार्टी एक तरह से जेल में ही आराम फरमा रही होगी। पूरी पार्टी के ऊपर बात जहां तक है, पार्टी के मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के सीएम है, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए कोई पार्टी में निष्पत्ति होती है या कोई बड़े काम को जब अंजाम दिया जाता है तो शीर्ष नेतृत्व को आगे आना पड़ता है और प्लानिंग लगभग वही करते हैं। और जहां तक सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह है, वो घर के मुखिया थे, ज्यादातर बात मानते थे। एक तरह से मैं यही कहूंगा कि केजरीवाल जी का इसमें कितना हाथ है, आप केजरीवाल जी की स्थिति इस घोटाले में कितना देखते हैं, कितना इनका निर्देश में आपको क्या लग रहा हुआ है या सभी के अलग अलग स्टैंडिंग थी इसमें? नहीं देखिए, इसका मेन किंग पिन तो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब ही हैं, उनके बिगैर तो कोई पॉलिसी बन ही नहीं सकती। ये गिने चुने 4-5 लोग इस पार्टी में हैं जो उसमें शामिल हैं, उन्होंने ही इस पॉलिसी को पूरी पूर्ण रूप से, देखिए इस पॉलिसी को बनाया, कुछ चुनिंदा कंपनियों को, थोक विक्रेताओं को, रिटेल को, कुछ मैन्युफैक्चरर को, जिस प्रकार से पॉलिसी बनाई उन्हीं गिने चुने लोगों को फायदा देने की इसमें कोशिश की गई है। अब उन्होंने पॉलिसी तो बना दी, वो सोचते कि हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है तो हमें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और कोई भी राज्य अगर इस प्रकार की पॉलिसी बनाएंगे कि जो एक स्पेसिफिक लोगों को लाभ पहुंचाने की स्थिति में होगी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो भ्रष्टाचारी नेता है उनका हाथ होता है। आज उसी का जब सामने ये बातें आ रही हैं तो ये जो कट्टर ईमानदार बनते थे, हमें लगता नहीं है कि देश में इतने सारे लोग एक पार्टी के भ्रष्टाचार में लिप्त हों। तो ये पूरी पार्टी जिस प्रकार से ऊपर आई थी, जिस प्रकार ये अन्ना के आंदोलन से अपने आप को ईमानदारी के नाम पे दिल्ली की सत्ता को इन्होंने हथियाया था, आज ये उसके एक एक किस प्रकार के इनकी कार्यशैली रही, पिछले 8-9 सालों में किस प्रकार से दिल्ली में काम हुआ, किस प्रकार से विकास के काम हुए, ये किसी से छिपे नहीं है। ऊपर से इन्होंने घोटाला करना, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं,
ये एक दिन में ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये एक साथ में पूरे देश में राज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक लंबा संघर्ष और ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। जब तक कोई ईमानदार नहीं होगा वो कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है, ये जीता जागता एक उदाहरण आप पार्टी का पूरे देश के सामने आएगा। उस कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इनका कोई भी नेता जो उस पॉलिसी में इन्वॉल्व था वो बचने वाला नहीं है, और एक एक करके ये सब लोग जेल में जाएंगे। जेल में तो जाएंगे। मैं थोड़ा सा इमोशनल टच में बात करूंगा दोस्तों। देखिए केजरीवाल जी हैं वो भी बीवी बच्चेदार हैं, सत्येंद्र जैन जी हैं वो भी बीवी बच्चेदार आदमी हैं, फैमिली वाले हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया इनके बच्चे हैं और ये लोग बढ़ रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये अपने आप को क्रांतिकारी बताते हैं और जितने भी सारे घोटाले में सम्मिलित पाए गए हैं ये लोग ईडी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई ये यातना का पैमाना। अभी संजय सिंह जी के ये विजुअल में और आप एक बार सुन लें, संजय सिंह जी जब कोर्ट पेशी में जा रहे थे तो इन्होंने यही बोला कि भाई मोदी जी यातना कर रहे हैं और यातना का पैमाना मैं चेक कर रहा हूं कि भाई वो कहां तक इस प्रकार से हमारे साथ कर सकते हैं। वहीं अगर इनको जेल में डाला गया, सत्येंद्र जी का जो हालत हो गई थी दोस्तों तिहाड़ जेल में जब थे, अब वो गिर गए थे एक तरह से, उनकी बीमारी को देखते हुए उनको बेल मिली और आज की डेट में वो चिकित्सा दिन है। वहीं मैं कोर्ट की एक बात बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें चाहे हाई कोर्ट की बात कर लें, कोर्ट में किसी पार्टी की नहीं चलती है दोस्तों, वहां पे दलील और जिस प्रकार से आपकी चार्जशीट होती है उसी पे बात की जाती है। तो फिर बेल क्यों नहीं मिली है अगर ये लोग सच्चे हैं, ये लोग कुछ नहीं किए हैं, लगातार ये लोग बेल के प्रयास में भी लगे हुए हैं। वहीं दूसरी बात करें तो बेल तो अभी तक तो किसी को भी नहीं मिली। सत्येंद्र जी का केस थोड़ा सा अनोखा था, एक अलग था, उस एक स्पेशल केस में उनको दिया गया, ना जैन जी को तरीके से बेल मिल पाई, ना मनीष सिसोदिया को बेल मिल पाई, और अब संजय सिंह जी जा रहे हैं उनका क्या होगा पता नहीं। तो अगर वो सही होते तो बेल फिर क्यों नहीं मिल रही। देखिए ये सही नहीं, इनके खिलाफ जितने सबूत हैं वहां पे वो सफिशियंट हैं कि इनको जेल में रखने के लिए। और जहां तक देखिए भारत का जितना ज्यूडिशियल सिस्टम है पूरे विश्व में एक बहुत ही मजबूत ज्यूडिशियल सिस्टम माना जाता है, और यहाँ पे कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जहां तक आप क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं, हाँ ये क्रांतिकारी हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार के रूप में क्रांतिकारी हैं, ना कि देश की सेवा करने के लिए। इनकी देश की सेवा से कोई लेना देना नहीं है, इनकी तो एक ही नीति ना, किसी भी तरह बाई हुक एंड क्रूक पैसे कमाओ, चुनाव लड़ो, लोगों को बेवकूफ बनाओ और सत्ता हासिल करो। आज इनके भ्रष्टाचार की जब ये एक एक करके नए नए एविडेंस सामने आ रहे हैं तो इनको बेल मिलने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। आप देख रहे हैं सिसोदिया जी पिछले एक साल से सवा साल से जेल के अंदर है, अब संजय सिंह अंदर गए हैं। देखिए ये लोग प्रॉपर एविडेंस में अपनी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब उन्होंने डिफरेंट फोन यूज किए हैं, वो सिसोदिया जी ने 72 फोन यूटिलाइज किए थे अपने, अब ऐसे ही संजय सिंह के ऊपर है वो बता नहीं रहे अपने फोन का है ना, वो जब उनके एविडेंस मिल रहे हैं, जब सर्वेश मिश्रा उनके घर में है, विवेक त्यागी वहां पे है, दिनेश अरोड़ा जी कह रहे हैं, जब उनकी कॉल्स की डिटेल आपस में उनकी लोकेशन चेक की गई तो वो बिल्कुल ठीक निकल रही हैं। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही संजय जी का भी यही हाल होने वाला है जो इनके पूर्व के 2-3 मंत्रियों का हुआ है। और जिस प्रकार ये घोटाला, देखिए घोटालों पे घोटालों की सरकार है ये, आप एक भी डिपार्टमेंट, आप दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला देख लीजिए, बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, ये पूरी डिटेल एक्सपेंडिचर की नहीं देते, आज 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी इन्होंने वो शीश महल अपनी कोठी बनाई कोरोना के दौरान, जब किसी चीज की ना प्रॉपर टेंडरिंग की, ना कैबिनेट कमेटी में उसको पास किया, ना किसी प्रकार की कोई अप्रूवल की, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के वहां पे इन्होंने भ्रष्टाचार किया। जहां वो इनका केजरीवाल साहब जो कहते थे कि ये 10 कमरों का मेरे को किस लिए मकान चाहिए, मेरे को बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को इतने एयर कंडीशनर शीला दीक्षित के यहाँ लगे हुए हैं, इतने एयर कंडीशनर की क्या जरूरत है, अब जब उनकी बारी आई है तो उन्होंने दिल्ली की जनता की कष्ट कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में इकट्ठा किया है उसने अपने ऐशो आराम पे उड़ाया है। ये सारे जितने इनके नेता ये ऐशो आराम करना जानते हैं, इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, ये तो अन्ना जी के साथ आके उन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाया है। दिल्ली की जनता ने सोचा कि एक नई पार्टी आ रही है, लोग ईमानदार होंगे, अन्ना जी के साथ लगे, लेकिन इनकी ईमानदारी की अब एक एक कलह सामने आ रही है, एक एक इनकी परत उतरेगी, और जैसे जैसे टाइम निकलेगा और इनका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर रूप से होगा तो ये लोग कहीं पे भी, ईमानदारी तो छोड़ो, भ्रष्टाचार के समुद्र में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं।
ये वही केजरीवाल साहब है जो ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के अब इन्होंने अपना शीश महल बनाया तो क्यों नहीं बोले? अब पहली बार जब इनके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम होने वाली है तब जाके ये बोले। तो इसी प्रकार इनके अन्य नेताओं को जब कुछ नहीं मिलता तो मोदी जी के बारे में ये कुछ ना कुछ अब शब्द कहने वाले हैं, और जनता ये अच्छी तरह जानती है कि मोदी जी का एक स्टैंडर्ड कहाँ है और इनका कहा है। मोदी जी तो जब सत्ता में आए थे उन्होंने कह दिया था कि ना तो मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज पूरा मंत्रिमंडल, आज 10 साल होने वाले हैं जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कोई बता तो दे कि कोई एक घोटाला हुआ है। देखिए आप आरोप लगा सकते हैं लेकिन आरोप के पीछे एविडेंस क्या है? और जब भारतीय जनता पार्टी अगर किसी के ऊपर आरोप लगाती है तो तथ्यात्मक होते हैं, उनके पीछे एविडेंस होते हैं, उनके पीछे कोर्ट में भी वो मान्य होते हैं, और आज वही बातें हो रही हैं। इनके तथ्यों के साथ ये जेल के अंदर बंद है, इनके अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस मिल रहे हैं, अभी तो बहुत सारे घोटाले आने वाले समय में उनकी जांच चल रही है, और जब उनकी जांच होगी तो ये और भी ज्यादा इनके लोग जो बचे हुए हैं वो भी किसी ना किसी तरह जेल में जाने वाले हैं। सीबीआई और ईडी की तरफ से तलब भी हो चुकी है केजरीवाल जी को। अब ये तीनों बड़े तबके के नेता थे, संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी। अब हाल ही में अमानतुल्ला खान जो कि ओखला के एमएलए हैं, उनके घर भी ईडी एक दिन पूरा जा करके उनके फोन को ले लिया गया है, उनको भी राडर पर लिया जा रहा है। देखिए एक एक चाहे वो अमानतुल्ला खान हो या इनका कोई भी नेता हो, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, देखिए भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी समझदार हो वो कुछ ना कोई ना कोई एविडेंस ऐसे छोड़ता है जिससे वो पकड़ा जाता है। ये अपने आप में बहुत समझदार बनते हैं, लेकिन जैसे कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है उसी प्रकार इन्होंने भी अगर अपराध किया है तो ये अवश्य पकड़े जाएंगे। वो चाहे अमानतुल्ला खान हो, चाहे वो जमुना पार के तारिक हुसैन हो, जो भी हो, ये सब लोग पकड़े जाएंगे और आज नहीं तो कल जेल के अंदर हो। कोई मैटर कोर्ट में पहुंच जाता है तो फिर सरकार या कोई नेता उसको प्रभावित नहीं कर सकता। यहाँ पे तो एविडेंस के बेस पे बातें होगी, तथ्यों पे बात होती है, और जब फैक्ट सामने होते हैं कोर्ट तभी डिसाइड करता है। इन लोगों ने कोई ये किस हिसाब से इन्होंने काम किया, किस सिस्टम से काम किया, इन्होंने देखिए देश संविधान से चलेगा और संविधान में भ्रष्टाचार के भी प्रावधान है, ईमानदारी के भी प्रावधान है। पूरे देश में कोई एक ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जिसके पास कुछ और मंत्रालय नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का एक ये मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखता। क्या होगा? देखिए वो इसका पीछे एक ही सोची समझी रणनीति है कि तुम साफ रहो और तुम्हारे मंत्री एक एक करके भ्रष्टाचार करो, तुम तो बचे रहोगे। लेकिन वो समय दूर नहीं है जब इनके मंत्री, जब इनकी बातें खुद इनके अगेंस्ट खड़े होंगे और तब केजरीवाल साहब को पता। इन्होंने तो ये सोची समझी रणनीति के तहत अपने आप को किसी भी मिनिस्ट्री से अलग रखा, अपने आप को बचाए रखा, लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब जो आदमी विदाउट टेंडर फ्लोट किए 44-45 करोड़ रुपए में अपना घर बिगर किसी प्रॉपर अप्रूवल के बना सकता है, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार, और उसमें स्वयं रह रहे हैं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? कि एक मुख्यमंत्री जो कहता था मेरे को ना घर लूंगा ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा, आज वो 1-1.5 करोड़ के काफिले की गाड़ियां चलती हैं, आज उनके घर में एक एक पर्दे 10-10 लाख रुपए के हैं, उनके जो बाथरूम है वो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के हैं, उनके जो नीचे के पत्थर लगे हैं वो इम्पोर्टेड पत्थर हैं जिनकी कॉस्ट 6 करोड़ रुपए है। तो कोई काम ऐसा नहीं है, इंटीरियर का काम कराया 11 करोड़ रुपए है, एक कंसल्टेंट जो डिजाइनर जिसने घर का खाली डिजाइन बनाया उसकी फीस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये कौन से आम आदमी है, और ये आज नहीं तो कल इनकी जगह वहीं पे सुरक्षित है जहां पे भ्रष्टाचारियों की जगह सुरक्षित होती है, यानी कि जेल। जो ऑलरेडी 3 नेता इनके जा चुके हैं और चौथा नंबर केजरीवाल जी का है या किसका है हम तो कह नहीं सकते, बाकी ईडी की कार्रवाई और कोर्ट की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बल्ली जी से हमने बात करके काफी सारी बातें जानने की कोशिश की और आप लोगों को भी बताया। वहीं आप लोग भी इस रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करके बताइए केजरीवाल जी को आप कितना ईमानदार समझते हैं और वहीं मोदी जी को कितना ईमानदार समझते हैं, और चुनाव भी बहुत नजदीक आ रहा है, इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा ये भी देखने वाला विषय रहेगा। मगर आप भी देख रहे हैं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले और कई रिपोर्ट में हम आपको शराब घोटाले हो या दिल्ली के तमाम सारे अन्य अन्य तथ्यों के ऊपर हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। बल्ली जी आपने टाइम दिया, आप सभी धन्यवाद, नमस्कार।